जी सत श्री जी, किदा फिर जवानो? अच्छा, मैं ब्लॉग बनाने लगे जी। मैं देखा चिट्टी हमर जा रही है, दिखानी पैनी हूँ तुम। ये देखो जी, मैं हूँ क्रॉस करूँगी। सो जा रही चिट्टी हमर, जिस तो अपन कोई मतलब नहीं है छोड़े। एनीवे टाइम वेस्ट नहीं करना, एक मिनट जूम आउट करना। ओके, सो आई एम यूजिंग पॉकेट टू कैमरा क्रिएटर्स कॉम्बो विद माइक विच गिव्स मोर क्लैरिटी, यू नो। सो अज मैं जा रहा बई दोबारा अंबाले, अंबाले जा रहा। अमनदीप हैगा अपना ब्रो, अमनदीप हुंजन, उन्हें भी डिसाइड किया कि उन्हें भी 4x4 सफारी लेनी है, यूज्ड ऑब्वियसली। तो बीइंग सफारी एक्सपर्ट काइंड ऑफ यू नो, तो भरावों वाली गल हुंदी है, फिर जाना पैंदा। सो बस मैं पहले अंबाले जाना है, उत्थे फिर मैं गड्डी गुड़ी चेक करांगे, देखते हैं की हिसाब किताब है। कंपनी रिकॉर्ड में उस तो बाद ही कढ़ाऊंगा, पहले मैं गड्डी आप देख ला तो मालक नूं पुछ लवे की हिसाब किताब है, फिर आप कंपनी रिकॉर्ड लेटर ऑन कढ़ावांगे। एंड अज दा उही क्राइटीरिया हुंदा, तुसीं पहले उत्थे जाके सब तो पहला गड्डी स्टार्ट करो, गड्डी चलाओ, गड्डी चला के देखो वाइब्रेशंस, अलाइनमेंट एंड एवरीथिंग जो भी हुंदा। उस तो बाद गड्डी दे ए बी सी पिलर चेक करो, फ्यूल कैप खोलो, डिग्गी चेक करो भी कितों दी उन्होंने डेंटिंग पेंटिंग ना की होवे, अनवॉन्टड। एक तो हुंदा चलो रनिंग रिपेयर है कि थोड़ा तो काम चलता है, सरीटा चरूटा पईआं, माड़े मोटे डेंट पे, चलता है, मेजर नहीं होना चाहिए कदे भी, ठीक है जी। उस तो बाद आपां उहदा इंजन बे खोलना, इंजन बोनट खोल के फिर आपां चेक करना उहदा इंजन ऑयल, कूलेंट, अंदरों कोई V8 एयर। पिछली गड्डी जिवें लई सी आपां बठिंडिओं, जदों मैं खोली सी उहदी टाइमिंग बेल्ट छोटी सी साइज़ 'च एज़ कंपेयर टू नॉर्मल सफारी। वह बाद चो पता लगे भी उन्होंने कंप्रैसर दूजी सफारी का पाया हुआ पुरानी वाली का, तो टाइमिंग बेल्ट भी पतली पाई हुई है, विच इज़ रिस्की जे कि सॉरी टाइमिंग बेल्ट कहता फैन बेल्ट। हुण फैन बेल्ट जे आप पतली पाने कि टुट गई, रिस्की ए भी नहीं है, एकदम कुछ हो जूगा, तुसी गड्डी चला सकते जब तक बैटरी डेड नहीं होंगी। सो फैन बेल्ट इज़ फाइन, टाइमिंग बेल्ट में कुछ नहीं होना चाहिए कदम, टाइमिंग बेल्ट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। ओके, एक EGR हुंदा, EGR सही होना चाहिए। तो बंदे नूं पुछ लो भी तुसीं कदों पवाया सीगा, उहदी रीडिंग याद कर लो, उस तो 70-80 हज़ार किलोमीटर जाके चेक करा लो, ठीक है। जिवें उन्होंने 50 हज़ार ते ना 80 हज़ार ते पाया, तो अगली बार तुसीं उहनूं चेक करना 1.5 लाख या 1,60,000 दे करीब जाके, भी वह चौक तो नहीं कर रहा, उहदे अंदर वह जम तो नहीं गया कार्बन वगैरह, ठीक है। सो ये छोटी छोटी गल्लां काउंट करनियां। सो लेट्स सी, अमन भाई नूं मिलदा मैं शंभू बॉर्डर टप के, एंड उस तो बाद फिर आप अगे चलते हैं। अच्छा, हूँ हरेक का अपना अपना चा हों, इन्हें भी चाह है कि मैं 4x4 गड्डी लेनी है बट ब्लैक कलर च, तो ये गड्डी ब्लैक कलर जी अंबाले खड़ी है। सो उस तो बाद एक गड्डी का होर आ रहा, यूज गड्डी का मेरे भाई है पटियाले, भी जाना है कि गड्डी लैन उ जाना पैना, दैट इज़ एट अलीगढ़ UP च, 4x4 चिट्टे रंग की गड्डी है, वो आप बाद चो देखांगे, पहला आप काली गड्डी देखी अच। ओके ओके, हमर मेरी अगी सी PV 32 है 71-71, ठीक है जी। लंघ गई हूँ, लगती तो बड़ी सारी सूमो ही है। फेमस होने की कहानी है, जिहड़ी गड्डी फेमस होगी होगी, जिन्हां कोल हमर हैगी है वैसे कोई ज़्यादा खुश बंदे नहीं है, बस दिखावा ज़्यादा। एनीवे अज मैं है अपनी दूजी सफारी ग्रे वाली सफारी, इहदा कलर हैगा स्काई ग्रे, जो कि बिल्कुल ही यूनीक रंग है। ये मैं लैके आया सी सैकेंड हैंड, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब है उन्होंने, तो मैं लैके आया सी बॉम्बे को जाके 2020 लंबी कहानी है, ठीक है। ये गड्डी मैं कदे अपने ब्लॉग च पाई नहीं, ना मैं कदे हाईलाइट किया, ठीक है। सो की कहने हैं, इनू मैं मॉडिफाई कराया हुआ लग्जूरियस, ठीक है। आई विल ट्राई इस तो अगला ब्लॉग च, मैं यदि जिन्नी भी है चीज़ें मैं लवाइया या जो भी मॉडिफाई कराया वो पा के दिखाव। लग्जूरियस सफारी इंडिया की यह मेरे हिसाब से दूजी होनी है, क्योंकि पहली सफारी जी बनाई है रीकार्ट ने, तो वो उन्होंने वीडियो पाई थी, मैं वो वीडियो देख के ही अपनी सफारी लैके गया से उन्होंने कोइंसिडेंस ये है कि आई वॉज लुकिंग फॉर रिकलाइनर सीट्स, तो रिकलाइनर सीट चक्कर सारा मॉडिफाई करवा लिया। चलो ये बाद के ब्लॉग बनूंगा, ठीक है जी। बाकी अंबाले पहुँचने अमृत अमन भाई मिलते हैं हमें। ओके माइक, सो अपने भाई है अमनदीप सिंह, हेलो मेरी आवाज़ आऊगी? ओके, दोबारा। सो अपने भाई है अमनदीप सिंह, इन्हों का सफारी है बट फॉर फन इन्हें लैनी हूँ 4x4
ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਸਫਾਰੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬਾਈ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆਹ ਮੇਰੀ ਰੂਫ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਜ਼ੂਰੀ ਸਫਾਰੀ ਇਹਦਾ ਵਲੌਗ ਲੇਟਰ ਔਨ ਬਣਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਓਕੇ ਜੀ ओके मेट्रो मोटर आए आपां गड्डी देखण 16 इंच किद्दां करूंगी एंड सफारी दा सब तो बेस्ट कलर है ये ब्राउन बहुत रेयर है पर सब तो सोहना रंग है जे आउंदा हुंदा 4x4 च तां मैं भी पिक करदा इहनूं हाँ जी गड्डी दे आउटलुक्स वगैरह मैं पातियां गड्डी ड्रेस ड्राइव कीती इंजन ओके है सब कुछ फाइन है मॉडिफिकेशन थोड़ी ऑफ रोड रिलेटेड हैगी है बट विच इज़ फाइन रखनी रखो नहीं रखनी ना रखो एंड गड्डी चला के अच्छी लगी इंजन साफ है गड्डी सिर्फ किन्नी चली है 49,000 बस 50,000 चली है सो लिटरली इतने कोई काम नहीं होने वाला 1,00,000 किलोमीटर चलाओ ऐश करो है ना जी बिल्कुल तुहाडा भाई की रिव्यू वैसे तो बधाई है पहला सब तो थैंक यू भाई गड्डी इन्नी साफ मिल गई वो भी अंबाले वो भी 5,00,000 च विच इज़ गुड तुहाडा की रिव्यू वैसे गड्डी बारे गड्डी भाई मैंने बहुत अच्छी लगी एक मैंने जो फेवरेट मेरा ब्लैक कलर वो मैंने मिल गया मैंने बस उत्ते तसल्ली हो गई और बाकी वो 4x4 थी मेरी मेरा जो मिस करता जिन मैं लीती नहीं उसमें पछता रहा है हूँ लैके मैंने और अच्छा लगन लग गया कि यार अब गड्डी ले ली हूँ 4x4 भी हो गई अपने को सफारी हूँ दो सफारियाँ ऐश करनी हूँ एक सफारी थोड़े को ली है हूँ तेजी जी वीडियो पाई है यस यस हाँ तो गुआंढ ही रहा मुंडा ओके सो वो भी ब्लैक है यस दो ब्लैक सफारी एक मेरी वाइट होगी बिल्कुल तो एक सफारी पटियाले होर आ रही है ओके वो भी वाइट होगी चलो सो वधिया खुद ही ग्रुप बन गया है ना बिल्कुल बिल्कुल भाई खुद ही ग्रुप ही लगे हुए हैं बिल्कुल मगर ना एक ग्रुप का नाम ही रख देंगे एक बन जाए ग्रुप बना देंगे हाँ श्योर श्योर सफारी बट टाटा वाले नू शर्म आनी चाहिए सफारी बंद करके ना बिल्कुल है ना इन्नी वधिया गड्डी है टाटा की तुसी बंद करती डजंट मेक सेंस टू मी सो मैं तो यही कहूँगा जे रतन टाटा देखने कोई वड्डा बंदा देखे टाटा का भी सफारी शुड बी रीलॉन्च्ड सफारी क्लासिक के नाम तो कड्डो सफारी जो भी नाम रखना होनी चाहिए सफारी स्टॉम बेस्ट वर्जन है सफारी का डजंट मैटर वो कौन चला रहा है किदा चला रहा है एवरीबॉडी लव्स इट ठीक है बाकी सर्विस सेंटर हो रहा मेट्रो मोटर सामने है मेट्रो मोटर के बाहर बाहर ही सौदा है अपना बिल्कुल बिल्कुल तो यही अपना वधिया सर्विस सेंटर जिद करके आप सर्वाइव कर रहे हैं यस इन्हों का एडवांटेज है पार्ट मिल जाने ऑन द स्पॉट जो हम थोड़ा ईजीअर उड़िया गड्डी का यस यस मिल गए किसी भी जाओगे ना 15 दिन तो पहले नहीं देंगे इन्हों को डायरेक्टली अवेलेबल ईवन ब्रेक पैड ब्रेक पैड भी नहीं होते बार्कले मोटर्स को ब्रेक पैड भी नहीं होते हाँ कुछ इन्ना बुरा हाल है उन्होंने इन्ना माड़ा हाल है नथिंग सो टाटा की गड्डी रखनी है यू नीड अ गुड सर्विस सेंटर जो सर्विस सेंटर है तो टाटा की गड्डी डेफिनेटली ले लो जो अभी अंबाले के लागे रहने तो फिर मेट्रो मोटर ऑब्वियसली मच रिकमेंडेड है बाकी भाई जब अभी गड्डी चलाओगे उदो आप थोड़े उत्ते देख लाँगे जो रिव्यू होर करना है बिल्कुल है ना या आप सारी गड्डी जिन्हें ली है यूज कट्ठिया खड़ा के यस फिर वो रिव्यू ले लेंगे जरूर ठीक है बट 5,00,000 तो यार अल्टो नहीं आती अजकल 5,00,000 तो कोई क्विट भी नहीं दिता तो बट इन्नी चीज आप 4x4 सफारी मिल रही है स्टिल अ ग्रेट वर्जन अगले 10 साल ही कितने नहीं हिलती गड्डी बस मेनटेन करने की लड़ है तुम 10 साल 5,00,000 तो 5 साल ही वसूल लेना बिल्कुल बिल्कुल भाई ठीक है वो तो आप बस लो तुम गड्डी फिर वसूल दें तो चलते रिवर बैड से बस टायर स्वैप करने से हाँ ऑफ रोड टायर मैं दस दू पाने ठीक है जी ठीक है चलो ओके भाई जी बाय सत श्रीकाल जी हाँ जी सो अंबाले तो फिर आप कर ले गड्डी सौदा डन एंड डस्टड हूँ इस तो बाद एक 4x4 गड्डी होर लेनी एक होर भाई है मेरा तो वो देखते वह की डील बनती है कल परसों चौथे या नैक्सट वीक वट एवर वो अकॉर्डिंग देख लेंगे एक चीज़ मैं दिखाने चाहना मैं जा रहा अंबाले तो पेवे किसी काम तो रस्ते से हाईवे देखो इट्स टू गुड यार मैं तो अज देखे 6 लेन हाईवे है एंड ये जाता अंबाले तो नरनौल तक नारनौल तो बाद सीधा बंदा आई थिंक अगे दिल्ली जयपुर रोड तो निकल जाता सो जिन्होंने भी इधरों जाना है बहुत वधिया हाईवे है इट्स टू गुड ओके सो कमिंग बैक टू द पॉइंट एक सफारी होर लै रही आप एक सफारी उस तो बाद लवेंगे तो घट्ट 4-5 सफारियाँ अपन 4x4 अपने गैंग च हो चुकी हैं होप फॉर द बेस्ट वो भी गड्डी वधिया मिल जाए अपन एंड बाकी एक व्लॉग होर बना लिए सफारी के उत्ते ठीक है जी ओके भाई थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड जे एडवाइस हो सकते हो कमेंट्स के विचों मैं चैक कर लूँगा बाकी होप सारे वधी रहो ओके जवानो अगले व्लॉग च मिलते हैं सी यू बाय एंड सारे मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल हसते बसते रहो इंजॉय करो
ਅਤੇ ਡਰਾਈਵ ਸੇਫ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਵੋਂਟ ਬ੍ਰੈਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਗੱਡੀ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਫਾਈਨ, ਓਕੇ ਜੀ, ਸੇਫ।